I've fallen in love with I love. I love. Él bole wow. थोड़ी दूर और चल बेटा। ये यज्ञ कोई छोटा यज्ञ नहीं है। हाँ। हस्तिनापुर का वैभव तो देखते ही बनता है, है ना पुत्र? हाँ, महानगर है। मैंने ठीक कहा ना? इतने ब्राह्मणों को दान मिला। देखा ना? लाखों ने भोजन पाया। कितनी आहुतियाँ डाली गईं, गिनना कठिन है। कितनी चहल पहल थी। कितने ब्राह्मण यज्ञ पे बैठे थे, जानते हो? तू थक तो नहीं गया बेटा? और फिर मैं क्या कह रहा था? तुम में से एक को मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? मेरी माता श्री शक्ति माता की पूजा कर रही हैं। बलि के लिए एक मानव की आवश्यकता है। बोलो तुम में से किसे ले जाऊं? मुझे ले चलो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम तो मेरा मुक्ति मार्ग हो। डरो मत देवी, मैं इन्हें ले भी नहीं जाऊंगा। बलि को उत्तम होना चाहिए। तो मुझे ले चलो। ना ना पुत्र, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता पुत्र। नहीं 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 नहीं, इसे तो मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं, इसे मैं नहीं जाने दूंगी। बलि के लिए मुझे ले चलो श्रीमान, क्योंकि बड़े भैया पिता को प्रिय है और छोटा माँ को। तो ये मंझला ही बच्चा जिस पर न पिता के स्नेह की पूरी धूप पड़ती है और न माँ के ममता की पूरी चांदनी। मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। तुम इस मंजले को ले चलो राक्षस। ब्राह्मण पुत्र, माता पिता के स्नेह पे संदेह करना पाप है। उनसे जो भी मिले, जितना भी मिले, आशीर्वाद समझ के स्वीकार करना चाहिए। मैं भी मझला पुत्र हूं, मुझे आंख भर के देखो और मेरे प्रति मेरी माता के स्नेह का अनुमान लगाओ। यदि तुम्हें अपना जीवन अपने माता पिता और भाइयों के जीवन से अधिक प्रिय है, तब तो तुम बलि के योग्य नहीं, क्योंकि कायर और रोगी की बलि तो चढ़ानी भी नहीं चाहिए। किसी पुत्र को केवल इसलिए तो कम स्नेह का दंड नहीं दिया जाना चाहिए कि वो केवल मझला है। आपने ऐसा करके परम पिता परमेश्वर का अपमान किया है। प्राश्चित करना ना भूलिएगा। और अपना दोष मानकर अपने पुत्र से क्षमा मांगने में कोई आपत्ति नहीं। नहीं नहीं, मैं अपने पिताश्री को क्षमा मांगने नहीं दूंगा। यदि ये दोषी है तो भी मैं इनसे क्षमा मांगूंगा। मुझे ले चलो। बलि ले आए पुत्र? बलि भी ऐसी लाया हूं माता कि शक्ति माँ भी प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकती। आ रहे पुत्र। आश्चर्य ना करो पुत्र, ये तुम्हारे पिताश्री हैं, कुंती पुत्र भीम। नहीं, मैं केवल एक बलि हूं। पहले मेरी बलि चढ़ा लो, फिर अपने पुत्र से मेरा परिचय करवाना। आर्य पुत्र, तुमको बलि चढ़ानी थी तो अपने पति की चढ़ाती, अपने पुत्र की चढ़ाती। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया था कि तुम किसी और के पुत्र भाई या पति की बलि दो? तुमने ये सोच कैसे लिया कि माता तुम्हारी बलि स्वीकार भी कर लेगी?
क्या मैं तुम्हारा पति होने के कारण बलि के योग्य नहीं रहा? तुम्हारा पुत्र मुझे बलि के लिए लाया है और उसके श्रम को व्यर्थ न होने दो। बलि की यही प्रथा चली आ रही है आर्यपुत्र। कैसी प्रथा? क्या माता ने कभी मांग की थी? धर्म जीवन को आदरणीय, सुंदर और खराब बनाने का मार्ग है प्रिय। धर्म से जीवन के इस अपमान का नाता ना जोड़ो। मैं क्षमा चाहती हूँ आर्यपुत्र। मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाला? क्षमा मांगो इन माता से जिनका तुम अपमान करने जा रही थी। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं क्षमा चाहती हूँ माँ। जब तक तुम्हारी माता श्री देवी माता से क्षमा मांग रही है, मेरे गले लग जा पुत्र। गले नहीं लगूंगा, चरण स्पर्श करूंगा। पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे? मुझे क्षमा कीजिएगा पिताश्री, परंतु यदि ये केवल मेरी माता रही होती तो भी ईश्वर की आज्ञा के पालन के पश्चात इन्हीं की आज्ञा पालन मेरा धर्म है। और ये मेरी माता ही नहीं, मेरी गुरु भी हैं, इसलिए पहले चरण स्पर्श की आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। किंतु मैं तुझे गले कैसे लगाऊं पुत्र? जो आज्ञा पिताश्री। अब तो तू गोद में लेने योग्य हो गया पुत्र, परंतु मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। जो आज्ञा पिताश्री। मेरे पुत्र का शरीर तो वज्र का है। नहीं पिताश्री, आपके पुत्र का शरीर उसकी माता के आशीर्वाद का है। आपका पुत्र कहीं भागा नहीं जा रहा, पहले कुछ खा लीजिए। नहीं, खाऊंगा नहीं। खाएंगे नहीं? मैं कुटीर से भोजन करके निकला था। कुटीर? कुटीर में आप क्या कर रहे थे? मैं अकेला थोड़ा हूं, हम पांचों भाई हैं, पांचाली है। ये एक लंबी कथा है प्रिय, और इसका निचोड़ ये है कि हमें 12 बरस वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना है। वनवास के लगभग 5 बरस तो बीत ही चुके हैं। तो वनवास के शेष दिन आप सब यहां क्यों नहीं बिताते आर्यपुत्र? मुझे रानी द्रौपदी और आप पांचों भाइयों की सेवा करने का अवसर भी मिल जाएगा, और आप सबको यहाँ कोई खोज भी नहीं पाएगा। ये संभव नहीं। क्यों पिताश्री, क्या आप ये सोचते हैं कि आपका ये पुत्र आप लोगों की रक्षा नहीं कर पाएगा? तुम तो त्रिलोक की रक्षा कर सकते हो पुत्र, और कदाचित करो भी, परंतु यहाँ रहने को वनवास तो नहीं कह सकते ना। और हमें तो 12 बरस वनवास में रहना है। थोड़ा समय तुम लोगों के साथ बिताने के पश्चात चला जाऊंगा। मैं भी चलूंगा, वहां ज्येष्ठ पिताश्री धर्मराज युधिष्ठिर से आशीर्वाद लूंगा और काकाश्री अर्जुन से धनुर्विद्या सीखूंगा। तुम्हारे काकाश्री अर्जुन तो दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रलोक गए हुए हैं। दिव्यास्त्र? क्या कोई युद्ध होने वाला है? हाँ, महायुद्ध होने वाला है पुत्र। यदि कोई साधारण युद्ध होता तो अर्जुन को दिव्य अस्त्रों की खोज में वहां जाने की क्या आवश्यकता थी।